तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी बापू जी, भूल गया। भूल गया? तुम्हें तो बड़ा विनम्र होके झुक झुक के पूछ रहा था। और कुछ बात पूछू? और कोई सेवा मेरे लिए? इतना छोटा सा काम तुझे याद नहीं रहता? जलेबी फाफड़ा खाना तो बराबर याद रहता है, देर तक सोने का बराबर याद रहता है। और अगर एक छोटा सा काम करने को बोलो तो क्या है? सॉरी, भूल गया बापू जी। तुम्हें बोला था ना केरी मंगवा लेना? बोला था बापू जी, लेकिन वो क्या दुकान के काम का टेंशन में एकदम दिमाग से निकल गया, उसमें भूल गया। चल चलो वे, जब देखो तब दुकान के काम के टेंशन का नाम लेकर छूट जाता है। अरे केरी इस गर्मी में नहीं खाएंगे तो क्या नाताल में खाएंगे? आज नाताल है केरी खाओ, आज नाताल है केरी खाओ। बापू जी, मैं केसर करी लाना भूल गया, लेकिन उसके बदले आपके लिए कुछ और लाया हूँ। क्या लंगड़ा फूस? क्या करूं मैं इसका? क्या है ये? बापूजी, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, और उस गलती के लिए आप मुझे माफ कर दो। उसके लिए ये सॉरी का कार्ड लेके आया हूं। अपनी गलती मानकर सॉरी बोलने के लिए भी बड़ी बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, और मुझे गर्व है कि तुझ में वो हिम्मत है बेटा। बापू जी, हाँ टप्पू के पापा मस्त कारण ढूंढ कर लाए हैं। थैंक यू दया। महंगा होगा? नहीं नहीं नहीं, फिर भी कितने का है जेठिया? 60 रुपया। ओहो, 60 रुपए में इतना बड़ा कारण? वो थोड़ी मेहनत लगती है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन मिल जाता है। अरे बहू, ये कार 60 रुपए का नहीं, 600 रुपए का, 600 रुपए का। अरे 500 रुपए की केरी लाना भूल गया, उसके लिए सॉरी का 600 रुपए का कार्ड, 600 रुपए का। बाबू चाट डबो, अक्कल जो तुम्हें। अरे तेरी अकल क्या घास चलने गई थी? अरे तू क्या धंधा भी ऐसे ही करते? तू कच्चे व्यापारी है कि बीमारी है? बीमारी 600 रुपए का कार्ड? अरे 600 रुपए का कार्ड लाता है कोई? है कोई लाता है 600 रुपए का कार्ड? अरे तो फिर तू क्यों लाया? सॉरी बापूजी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कोई कारण लाता है तो उसकी कीमत नहीं देखते। वो कारण लाने के पीछे की लागनी देखते हैं।
सॉरी दोस्तों, इससे बड़ा सहयोग मैंने तो जीवन में नहीं देखा। जेठालाल ने जो 100 की नोट अपने हाथों से सुबह रिक्शा वाले को दी, वही नोट इतनी बड़ी दुनिया में घूम फिर के वापस शाम को जेठालाल के पास आ गया। हाँ, इसी खुशी में आज सबको सोडा मेरी तरफ से अब्दुल। अरे वाह, ये तो और भी खुशी की बात है। लाओ भाई अब्दुल, सोडा दो जल्दी। तो 100 की नोट मिलने की खुशी में सबको सोडा। अब्दुल, ये भिड़े की सोडा का पैसा उससे ही लेना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 100 की नोट के जोक के लिए सॉरी। या भाई ये, ए भिड़े, जरा सोच समझ के। ये देख, फिर ऐसा होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, जरा सोच समझ के बात किया करना भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है मेहता साहब, जोक जब सूझता और बाहर नहीं आता है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है, एकदम अजीर्ण हो जाता है, इसलिए वो बाहर आना चाहिए। सोडा पिला भाई तो सब ठीक रहेगा। तू एक काम कर भाई, तू इधर अब्दुल की दुकान में पत्थरी लगा के सो जा और सोडा पीता रहे, सारा अजीर्ण गायब हो जाएगा। सोडा पीता रहे भाई। लाओ भाई लाओ, लीजिए। आजकल कितनी गर्मी हो रही है, नहीं दिन में कातिल धूप और रात को हवा का एक झोंका नहीं। अरे आप लोगों को पता है, ऐसी गर्मी के सीजन में भी हमारे गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। बारिश बोलो। दया भाभी, मौसम का आजकल कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी गर्मी के दिनों में तबियत का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये हमेशा कहते रहते हैं, गर्मी में ज्यादा पानी पीना चाहिए। भिड़े भाई इज वेरी राइट। माधवी भाभी, सिर्फ पानी नहीं, मैं तो तारक को दिन में 4 बार कच्ची कैरी का पन्ना पिलाती हूँ। अरे वाह, अंजलि भाभी बहुत ख्याल रखती है नहीं मेहता साहब का। काश इतनी कदर उनको होती। आम पनाना वाला चार चार क्लास। वैसे हमारी सोसाइटी में अगर सबसे ज्यादा कोई किसी का ख्याल रखता है ना, तो वो है जेठा जी दया भाभी का। करेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट छिपाइए मत, मुझे सब पता है। आज ना दया भाभी जेठा जी से नाराज हो गए थे, इसलिए जेठा जी उनके लिए सॉरी का कार्ड लेके आए थे। सो रोमांटिक। अरे रोमांटिक वाली कोई बात नहीं है, टप्पू के पापा दरअसल सॉरी का कार्ड मेरे लिए नहीं, बापूजी के लिए लाए थे। चाचा जी? चाचा जी के लिए? बता दी, वो क्या है, बापूजी ने टप्पू के पापा को केसर करी लाने को कहा था, पर टप्पू के पापा केसर करी लाना भूल गए, इसलिए टप्पू के पापा बापूजी के लिए सॉरी का कार्ड लेकर आए थे। अच्छा सो। भी एक बात तो माननी पड़ेगी, जेठा भाई बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। हाँ, वो तो है। अंजलि भाभी, सिर्फ बड़ों का नहीं बच्चों का भी वो उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। संस्कार, आफ्टर ऑल संस्कार। सब बापूजी के संस्कार है। अरे दया, सबको लेके कुल्फी है, कुल्फी खाने के लिए हमारी तरफ से। लाओ 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 भाई लाओ। अरे अभिता जी, आपको ही नहीं मिला। थैंक यू। जिसके लिए लगती नहीं कोई फी, वो है कुल्फी। अरे अब्दुल भाई, सोडा पिला, सोडा पिला। अजीर्ण हो गया है, सोडा पिला।
इसको। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अरे और जिगर जान सर। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? आजा इधर बैठ मेरे बाजू में। तेरे लिए मैं सरप्राइज लेके आया हूँ। सरप्राइज? क्या कैसे सरप्राइज? खोल के देख। मुझे बाबा बोलते भी नहीं। और अरे अरे ये कटिंग की पेपरमिंट तो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो लाया हूँ। खा 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 खा। अबे ये ला ला ला। मैं कितने सालों के बाद ये पेपरमिंट खा रही हूँ बोला। मस्त है ना? टप्पू के पापा, मुझे आपको एक बात कहनी है। अरे परवानगी क्या मांग रही है? बोल बोल। आपने बहुत बहुत अच्छे हैं। अरे अचानक आज मेरी तारीफ? अरे सिर्फ मेरी नहीं, सोसाइटी की सभी लेडीज आपकी तारीफ कर रही थी। क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? टप्पू के पापा, आपका यही तो बड़प्पन है, अच्छा ही करके अब उसे याद भी नहीं रखते। अरे लेकिन ऐसा क्या अच्छा किया मैंने, मुझे भी तो पता चले। आज सभी लेडीज को मैंने बताया कि आप अपनी गलती की माफी के लिए बापूजी के लिए सॉरी का कार्ड लेकर गए, तो ये सुनकर सभी लेडीज बहुत खुश हो गए। मैं क्या? लेकिन टप्पू के पापा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, बबीता जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो कार्ड आप मेरे लिए लाए थे? क्योंकि बबीता जी को मैंने ऐसा कहा था। कब? जब मैं बबीता जी और अय्यर भाई के घर गया था तब। कब? क्यों? दरअसल क्या हुआ दया, आज सुबह मैं दुकान जा रहा था तभी सोसाइटी कंपाउंड में मुझे बबीता जी मिले, तो उसी वक्त लंदन चौक के काकी माँ का फोन आया और वो बबीता जी का कोई नंबर लिखवा रहे थे, तो बबीता जी के पास कुछ था नहीं तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं लिख लेता हूँ, और मैंने मेरी जेब में 100 की नोट थी उसके ऊपर वो नंबर लिख लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि तूने आवाज लगाई तो मैं आया उधर, वो फाइल बाइल उड़ाई, सब कागज कितर बितर हो गए और वो सब धमा चकड़ी में मैं वो नंबर बबीता जी को देना भूल गया और रिक्शा में बैठ के मेहता साहब के साथ मैं निकल गया। फिर दुकान पहुंच के मैंने वो रिक्शा वाले को भाड़ा दिया, तो भाड़े में मैंने वही 100 रुपये की नोट रिक्शा वाले को दे दी। और फिर क्या, फिर बबीता जी का फोन आया वो नंबर मांगने के लिए, तब मुझे याद आया कि अरे बाप रे वो 100 रुपये की नोट तो मैंने रिक्शा वाले को दे दिया। बाप रे, फिर पूरा दिन टेंशन टेंशन टेंशन, भागा को मैंने दौड़ाया, बोला तू ढूंढ कैसे भी करके वो रिक्शा वाले को, बेचारा भागा दौड़ी करके 10-15 रिक्शा वाले को लेके आया, लेकिन उसमें से मेरा वाला कोई नहीं था। टेंशन टेंशन टेंशन, उसी में ना वो रिक्शा वाला मिला ना वो नोट मिली और वो केसर केरी लाना भी भूल गया। मतलब वो 100 रुपए की लक्की नोट लक्की नहीं थी, बबीता जी का टेलीफोन नंबर वाली नोट थी। हाँ दया सॉरी, वो बात मैंने तुझसे छुपाई। लव यू,
मैं वो तुझे बताता और तू बातों बातों में बबीता जी को बता देती कि टप्पू के पापा से आपका वो नंबर खो गया है तो? हाँ, वो बात तो है। इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। वैसे सच कहूं दया तो ये नोट मुझे सिर्फ तेरी वजह से मिली है। मेरी वजह से कैसे? तेरी माता जी पे अटूट श्रद्धा और विश्वास की वजह से ही मिली है। तूने माता जी को दिल से प्रार्थना की कि टप्पू के पापा को 100 रुपए की नोट मिल जाए, तो मिल गई। लेकिन ये तो बताइए, आपको 100 रुपए की नोट मिली कैसे? अरे दया, वो तो गजब चमत्कार हो गया। क्या हुआ, मैं हताश होके कि अभी तो नोट मिलने का कोई चांस ही नहीं है, ये सब सोचते सोचते, अभी बबीता जी को क्या जवाब दूंगा वो सब सोचते सोचते गोडाउन में ऐसे सर पे हाथ रख कर बैठा था, तभी नटू काकर भागा है और बोले कि सेठ जी अभी और कोई रास्ता नहीं है, आप बबीता जी को एक सॉरी का कार्ड दे के सॉरी बोल दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि अभी ठीक है, उनको बताना तो पड़ेगा ही कि भाई मेरे पास वो नंबर अभी नहीं है। तो फिर मैं सॉरी का कार्ड लेने गया, खरीद करके दुकान में वापस आया और तभी पता नहीं अचानक कहाँ से एक कस्टमर आया और अपने मोबाइल में 200 का रिचार्ज कराने और उसने मुझे 100-100 की दो नोट दी। तो उसने मुझे जो दो नोट दी उसमें से एक नोट मेरी वाली थी जिसके ऊपर मैंने बबीता जी वाला वो नंबर लिखा था। हाँ बोला 100 रुपए की वो नोट कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमते घूमते आपके पास वापस आ गई, वरना मुंबई की करोड़ों की आबादी में वही नोट वापस आपके हाथ में आना, ये तो खरे खर माता जी का चमत्कार नहीं था और क्या है टुपू के पापा? एकदम एकदम चमत्कार, मतलब अद्भुत चमत्कार। बोलो हमने बात की। चलो टप्पू के पापा, माता जी ने आपका सारा टेंशन दूर कर दिया है, अरे अब आप शांति से सो जाइए। दया हाँ? एक और बात। हाँ बोलिए। बापूजी को प्लीज बताना मत कि वो सॉरी कार्ड में उनके लिए नहीं लाया था। एक शर्त पर नहीं बताऊंगी। कौन सी? यही कि आज आप जो भूल गए हैं वो केसर केरी की पेटी कल याद से बापूजी के लिए पैसे लेकर आएंगे। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? कल कल है? अरे मित्र जेठालाल के लिए शायद आज का दिन मेले के उस जायंट व्हील की तरह था जिसमें हर चक्कर में कई चक्कर आ जाते हैं आपको। नहीं, कई बार जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब सुबह से लेकर शाम तक मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन दोस्तों ऐसे समय में एक ही चीज होती है जो आपके साथ हमेशा होती है, अपनों की दुआ। देखिए ना, दया भाभी ने जेठे से तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बोलूं मैं? नहीं नहीं, टप्पू के पापा से कोई लड़ाई नहीं हुई है, वो क्या बताऊं मां, वो भोगी है ना, वो 3-4 दिन के लिए हाथी भाई के यहाँ रहने चला गया है, तो उसकी इतनी आदत हो गई है ना कि जब वो घर में था ना तो पूरा दिन भाग दौड़ चिल्लम चाली, अभी है नहीं तो बहुत सुना सुना लग रहा है माँ। नहीं नहीं माँ, वो गोली है ना वो उसे लेकर गया। हाँ वो भी है, वो सोसाइटी में ही है ना। हाँ वो तो है। अच्छा चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बापूजी के लिए चाय बनानी है। बाय। बापूजी चाय। म्याव। बापूजी मियाओ मियाओ क्यों कर रहे हैं? अरे दया चाय ला जरा। चाय ला ना मत, ऐसा बोल रहा था क्योंकि पहले मैं नहाऊंगा बाद में चाय पियूंगा। हाँ बापूजी, सॉरी आज उठने में थोड़ा लेट हो गया, मतलब आज भी उठने में थोड़ा लेट हो गया, सॉरी।
लगता है बापूजी नाराज है। सॉरी बापूजी। बापूजी ऐसे भी क्या नाराजगी, कुछ तो बोलिए। म्याऊ म्याऊ। अरे मैंने अभी बापूजी को चाय दी ना, तो अभी भी बापूजी ने म्याऊ किया। बापूजी म्याऊ मतलब म्याऊ। दया तूने एक बात गौर की? कौन सी? बापूजी जब भी अखबार पढ़ते हैं ऐसे पूरा अखबार खोल के कभी नहीं पढ़ते, वो तो हमेशा वो टाइपराइटर की तरह पढ़ते हैं ना ऐसे। अरे हाँ। और बापूजी जब भी अखबार पढ़ते हैं तो ऐसे सोफे पर पलाठे वार के नहीं बैठते। उंगलियां भी कुछ अलग लग रही है। तो कौन बापूजी बनकर बैठा है? तू भी साथ चल। साथी हूँ। ये क्या तरीका है मस्ती करने का? टप्पू की तरफ उसके भाव में डर रहे हैं, लेकिन टप्पू उनको हम फरा है। लगता नहीं है कि टप्पू को वो पकड़ पाएगा। अच्छा लगता है कि ये और सच हो गया। टप्पू अपने पापा को बेवकूफ बनाकर चला गया। मैंने सच कहा था दोस्तों। और अभी हालत देखकर लग रहा है कि कॉमन ट्रैक्टर को डांट पड़ने वाली है, इसलिए कॉमन ट्रैक्टर मैं छोड़कर भाग रही है। कभी कभी समझ में नहीं आता टप्पू और दया में से छोटा कौन है। रुक रुक। क्रिकेट खेलता हूँ। अरे यार मैं तो भूल ही गया के बैट टूट गया है, अब नया बैट लेना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सीजन बैट लेता हूँ, बार बार टूटेगा भी नहीं। लेकिन सीजन बैट तो महंगा आता है। ये हर्ष ने कितने का बैट लिया था? 4,980। हाँ वही बैट लेता हूँ। नहीं लेकिन नया बैट लेने के लिए पापा को पटाना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली पापा के पास गया तो पापा मुझे बाउंड्री से बाहर कर देंगे। पापा को पटाने के लिए मम्मी को पटाना पड़ेगा और मम्मी पापा को पटाएगी। यस मम्मी 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 मम्मी। बोलो बेटा। मम्मी तुम कितना काम करती हो? हालेलुया, मेरे दिक्का को मम्मी की बहुत दया आ रही है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले बापूजी बनकर म्याओ म्याओ करके मस्ती कर रहा था, उसका क्या? मम्मी बात मत बदलो, तुम कितनी थक जाती होगी, अब तुम काम से फ्री हो जाओ। फ्री? अरे बेटा तो ये सब ये साफ सफाई का काम है, कपड़े धोने हैं, खेपले बनाने हैं, ये सब काम कौन करेगा? तुम्हारी बहू, मेरी शादी करवा दो। ना बाबा ना, मेरी बहू से मैं काम नहीं करवाने वाली हूँ, उसको तो राजकुमारी की तरह रखूंगी। तो ठीक है शादी कैंसिल, अब ये सारा काम तुम्हारा बेटा करेगा। टप्पू क्या कर रहा है बेटा? अरे मम्मी लाओ लाओ, मैं साफ करता, देखो। अरे, देखो अरे बेटा फ्लैट है। अरे मम्मी ऐसे साफ करते हैं? अरे चलो। अरे मम्मी मम्मी रुको, मैं साफ करूंगा। मम्मी तुम जाओ मम्मी, मैं साफ कर लूंगा मम्मी, डोंट वरी, मैं सब साफ कर दूंगा मम्मी, डोंट वरी। मम्मी तुम्हें क्या कर रही हो? टप्पू है ना, लाओ लाओ मैं करता हूँ, दो 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 मुझे दो। अरे टप्पू। अरे रुको रुको मम्मी, मुझे करने दे बेटा। अरे रुको रुको मम्मी। अरे मम्मी टप्पू। अरे ये
तब ये थेपला भारत देश का नक्शे जैसा नहीं, दुनिया के नक्शे जैसा होना चाहिए। मतलब ऐसा ऐसा गोल होना चाहिए बेटा। तू बाजू में जा, बाजू में नहीं, अरे नहीं। बाजू में जा। मम्मी मैं करता हूँ ना मम्मी, तू यहाँ खड़ा रह। चलो चलो चल, बोल क्या काम है। हुँ? मम्मी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कोई काम से आया हूँ? मैं कौन हूँ? दया बेन जेठालाल कड़ा। अरे ऐसे नहीं बेटा, मैं तेरी कौन हूँ? मम्मी। बराबर। तो जैसे नाक को खुशबू का पता चल जाता है, ठीक वैसे ही माँ को अपने बेटे के मन में क्या चल रहा है उसका पता चल ही जाता है। चल चल जल्दी बोल, क्या बात है? मम्मी मुझे नया बैट लेना है। हाँ तो ले लेना, उसमें क्या। पर मम्मी पैसे। हाँ तो पैसे देकर ही लेना, इतने पैसे चाहिए। 5 रुपए प्लास्टिक के बैट से खेलोगे? नहीं कैसे लगेगा बेटा, और तुम्हें खेलने में मजा भी नहीं आएगा। नहीं मम्मी ध्यान से देखो। 500 रुपए ठीक है मैं दे दूंगी, चल। नहीं मम्मी, एक और 0। हाँ 5000। 5000 रुपए? नहीं नहीं मम्मी 5000 नहीं, 5000 में 20 रुपए कम। हा? सिर्फ 4980 रुपए। 4980 रुपए का बैट? हाँ मम्मी, सीजन बैट लेना है और सीजन बैट की कीमत मिनिमम इतनी होती है। अब टप्पू क्रिकेट सीजन बैट से खेलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। मम्मी सीजन बैट 10000 के भी आते हैं, मैं तो 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, सिर्फ 5000। और 5000 क्या मम्मी, 5000 में भी 20 रुपए कम, सिर्फ 4980 रुपए। देख बेटा मैं 500 रुपए दे सकती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी प्लीज 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 मम्मी। देख बेटा 4980 जितनी रकम के लिए छोटी बैंक तुम्हें मदद नहीं कर सकती बेटा, उसके लिए तो तुम्हें बड़ी बैंक के पास जाना पड़ेगा, तुम्हारे पापा के पास जाना पड़ेगा बेटा। पर मम्मी पापा इतने सारे पैसे नहीं देंगे। तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या क्या? तू बैट को भूल जा। नहीं मम्मी प्लीज तुम पापा को मनाओ ना। अरे बेटा मैं उनको कहूंगी ना तो भी वो नहीं मानेंगे दीका। मम्मी प्लीज 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 मम्मी प्लीज प्लीज। बेटा ये सीजन बैट की कीमत बहुत ज्यादा है। और टप्पू टप्पू तू व्यापारी का बेटा है, बुद्धि दड़ाओ बेटा। देख सीजन बैट सीजन चली जाए फिर खरीद, सस्ता पड़ेगा। मम्मी सीजन बैट की कीमत हर सीजन में सेम ही होती है। मम्मी चाहिए तो मुझे दिवाली तक पॉकेट मनी मत देना, नए कपड़े लाकर मत देना, फटाके लाकर मत देना, और तो और मेरा बर्थडे भी मत मनाना। बस 4980 एडजस्ट हो जाएंगे। मम्मी प्लीज 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 मम्मी मम्मी पापा से बात करो ना मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी। मम्मी अपने बेटे के लिए तुम इतना भी नहीं करोगे? ठीक है मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। हाँ मेरे मियाँ। ओके मम्मी थैंक यू। टप्पू अरे बेटा हृदय चाय ला जरा। आई देख तुम्हारे पापा ना धोकर तैयार भी हो गए। आई आई टप्पू देख तुम्हें बैठ लेना है ना तो अब कोई शरारत मत करना कि तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाए, वो खुश हो ऐसे ही रहना दीका। ओके मम्मी। आई 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 ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरणगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते।
पापा आज से टप्पू की सारी शरारतें बंद। मैं आपके सारे अच्छे कार्य और आदतें सीखना चाहता हूँ। शाबाश शाबाश टप्पू शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आहा। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। सॉरी सॉरी टप्पू अभी बोला इसलिए गलती से मुंह से निकल गया। बबीता जी सॉरी। टप्पू क्या कर रहा है तू? क्या क्या किया? मैंने क्या किया? तू घर में आ समझाता हूँ क्या किया तूने। घर में आ। सॉरी सॉरी बबीता जी अब बुरा मत लगाना। इट्स ओके। पिछले एक मिनट आप अपनी याददाश्त से निकाल ही दीजिए। भूल जाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक काम करते नए से शुरू करते हैं। आप अंदर जाइए फिर से बाहर आइए। मैं आपको फिर से जैसे रोज बोलता हूँ ऐसा गुड मॉर्निंग बोलूंगा। ठीक है जाइए अंदर जाइए। मैं भी फिर से सूरत दादा को नमस्कार करता हूँ। जाइए। हाय इंद्राणी। हाय बॉल। ये भगवान ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। कोई बात नहीं अभी बबीता जी बाहर आएंगे ना तो उनको मैं अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलूंगा फिर से जैसे हर रोज बोलता हूँ ऐसे और कहूंगा। अरे आप तो इतने जवान लग रहे हैं कि आपको देख के किसी को लगेगा ही नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। क्या जेठा भाई सुबह सुबह मजाक कर रहे? मेरी तो क्या मेरी लड़की की भी शादी हो गई है। हैं? इनको क्या हो गया? छोड़ो ये बबीता जी अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मुझसे नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उनके चेहरे के हाव भाव से भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो मुझसे नाराज हो गए। तो फिर बाहर क्यों नहीं आए अभी तक? हो सकता है कोई फोन बना गया हो सकता है। नहीं ऐसा ही हुआ होगा। हाँ फोन में ही बिजी हो गए होंगे। बाकी बबीता जी मुझसे नाराज हो ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं अभी बिजी है तो बाद में बात कर लूँगा। बाद में गुड मॉर्निंग बोल दूँगा। क्या बोल दूँ उनको सुनाई तो देगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। टप्पू सॉरी सॉरी पापा सॉरी लाइए मैं रख देता हूँ। मम्मी टप्पू के पापा के लिए नाश्ता हाजिर हो। अच्छा मैं डांटू नहीं इसलिए नौटंकी चालू कर दी। राजकुमार टप्पू के पापा महाराजा टप्पू के पापा के लिए नाश्ता हाजिर है। ओहो हो 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 नौटंकी में तो पूज्य मातुश्री भी शामिल है। अरे वाह आज का दिन तो मुझे डायरी में लिख कर रखना पड़ेगा। क्यों भला? अरे हमारे राजकुमार टप्पू जी आज सुधर जो गए हैं। हाँ, मुझे पता था टप्पू आज मस्ती करेगा लेकिन बाद में सुधर जाएगा। कैसे पता था? पापा आइए ना नाश्ता करते करते बात कीजिए ना थेपला ठंडा हो जाएगा। आइए आइए। तो महारानी दया देवी कुछ कह रहे थे। हाँ, आज मैंने राजकुमार टप्पू जी का राशि भविष्य पढ़ा था। अच्छा तो हमारा राशि भविष्य नहीं पढ़ा? हाँ हाँ पढ़ा ना महाराज। तो क्या है हमारे राशि भविष्य में हमें भी जरा बताइए। यही कि महाराज आज अच्छे मूड में रहेंगे हंसते रहेंगे मस्त रहेंगे और अगर थोड़ा खर्चा करेंगे तो बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। समझ गया माँ बेटे का आज कुछ खर्चा करवाने का प्लान है। एक काम करता हूँ चाय नाश्ता दुकान जाके ही करता हूँ वरना ये चाय नाश्ता बहुत महंगा पड़ेगा। चलो दे मैं दुकान जा रहा हूँ।
जाएगा? अरे दया बिल्कुल टाइम नहीं, और तेरी भविष्यवाणी सुन के मुझे याद आया कि दुकान जाते जाते रास्ते में मुझे एक छोटा सा खर्चा करना है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या? हाँ, क्या एक बहुत बड़ी डील हो जाए उसके लिए मैंने 51 रुपए की मन्नत मानी थी, तो क्या डील तो हो गई, लेकिन वो 51 रुपए चढ़ाना भूल गया। तो अभी अगर नहीं चढ़ाऊंगा तो भगवान नाराज होके कहीं वो डील कैंसिल ना कर दे, इसलिए जल्दी जाके चढ़ा देता हूँ। थैंक यू दया, थैंक यू। पापा पापा पापा, दो मिनट। बेटा अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। पापा एक मिनट तो सुनिए। बेटा मेरी एक एक मिनट कीमती है, यूं समझ ले मेरी 1 मिनट 500 रुपए की है। पापा प्लीज। ना बोला ना टप्पो। दादाजी मुझे 1000 रुपए दीजिए ना। 1000? क्यों? मुझे पापा से 2 मिनट बात करनी है, और पापा कह रहे कि उनके 1 मिनट का भाव 500 रुपए, तो मुझे 2 मिनट के 1000 रुपए देने पड़ेंगे ना। दोस्तों जेठालाल ने सोचा होगा कि टप्पू की फास्ट बॉल को वो प्लेट करके निकल जाएगा, लेकिन टप्पू ने ऐसी गुगली फेंकी है कि अब जेठालाल या तो क्लीन बोल्ड होंगे या कैच आउट होंगे। भाई जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, सास बहू के झगड़े में अगर पति बीच में पड़े तो फंस जाता है, पेरेंट्स अगर शिक्षक और स्टूडेंट्स के झगड़े के बीच में आए तो उनकी परेड हो जाती है, और यहाँ पे दादा और पोते के बीच में फंसने वाले हैं जेठालाल। और जैसा कि इतिहास गवाह है कि दादा ने आज तक पोते का ही साथ दिया है, तो अब चंपकलाल उस जेठालाल का क्या हाल करेंगे जो पैसे लेके बात करता है। अब सोच लीजिए हाल यहाँ पे बड़े कमाल के होने वाले हैं, यानी कि कल आप अपने अपने घरों में फील्डिंग तैयार रखिएगा, क्योंकि हंसी के चौके छक्के बरसने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बेटा ये क्या बोल रहे है तू? टप्पू मैं मजाक कर रहा था बापू जी। अरे बेटा एक बाप अपने बेटे से मजाक भी नहीं कर सकता, हाँ ऐसा क्या कर रहा है बेटा? अरे क्या हुआ? वो मैं प्यार से हाथ घुमाने गया ना इसके सर पे, तो मेरी उंगलियां बालों में फंस गई बापूजी। सॉरी बेटा सॉरी। आज आराम से शांति से बात कर रहा हूँ बेटा, मैं सब सुन रहा हूँ, बोल। पापा पापा टप्पू को क्रिकेट में आगे बढ़ना है। अरे और आगे बढ़ने के लिए टप्पू को सीजन मैच से प्रैक्टिस करनी होगी। जरूर। तो मुझे सीजन बैट लेना है। ओहो दीजिए 4980 रुपए। बस सिर्फ 4980 चाहिए? पूरे 5000 ले ले बेटा। नहीं पापा, बैट सिर्फ 4980 का ही आता है, और मुझे सिर्फ 4980 चाहिए, क्योंकि मुझे सुंदर मामा ने सिखाया है कि जीवन में जितनी जरूरत हो हमें उतने में ही संतोष रखना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। ओ हो 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 हो। वाह वाह सुंदर वीरा, वाह कितना ज्ञानी है मेरा सुंदर वीरा। अरे जबरदस्त, उसको बोलना कभी कभी ये ज्ञान की बातें आईने के सामने खड़े रह के भी बोले। क्या? कुछ नहीं। पापा दीजिए ना 4980 रुपए। देख बेटा मैं तेरा पापा जरूर हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि एक बैट के पीछे 4980 का खर्चा करूँ। पापा आप अगर मुझे बैट ला कर दोगे तो आपका बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। कैसे? ऐसे देखिए, आप टप्पू को बैट ला कर देंगे तो टप्पू दिवाली तक कितना खर्च नहीं लेगा, नए कपड़े नहीं लेगा, दिवाली में फटाके भी नहीं लेगा, और तो और अपना विश यू हैप्पी बर्थडे वो भी नहीं मनाएगा। वो जो भी हो एक बैट के पीछे मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता भाई। दादाजी आपको पता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेड बैग 10-20 हजार के आते हैं। बापूजी इसको समझाइए, वो सब बैट इधर पंजाब और कश्मीर से बन के ही उधर जाते हैं, वो लोग खाली अपना फॉरेन का ठप्पा लगा देते हैं उसके ऊपर। पापा प्लीज। बेटा ये सब बेफिजूल का खर्चा है। पापा ये बेफिजूल का खर्चा नहीं, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कैसे कैसे बेटा? पापा आप मुझे 4980 का बैट ला कर दोगे तो आप भविष्य में करोड़ों कमाओगे। ओहो वाह बेटा वाह। ओ वाह शांति जरा शांति, जरा मैं समझ लूं, जरा मुझे समझाएंगे बेटा आपके
4980 का रोकण करके मैं करोड़ों कैसे कमा सकता हूँ? जरूर, बैठिए, ध्यान से सुनिए। आप मुझे 4980 का सीजन बैट ला कर देंगे तो उस बैट से टप्पू चैंपियन क्रिकेटर बनेगा और फिर टप्पू इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलेगा। स्ट्रेट ड्राइव लाइक एन एरो। सोचिए, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, आखिरी बॉल पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए और बैटिंग मैं कर रहा हूंगा। बॉलर मैच का आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार और स्टेडियम में चारों ओर टेंशन का माहौल है और टीवी कैमरा आप सबका क्लोजअप दिखाएंगे। पापा आप टेंशन में नाखून चबा रहे होंगे, मम्मी माताजी से प्रार्थना कर रही होगी और उसी वक्त बॉलर ने बॉल फेंकने के लिए दौड़ना शुरू किया। स्टेडियम में चारों ओर एक ही आवाज गूंज रही है, टप्पू डा, टप्पू डा, टप्पू डा, टप्पू डा। बॉलर ने बॉल फेंका, मैंने मेरे बल्ले में फूंक मारी और जोर से बैट घुमाया और बॉल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है स्टेडियम के बाहर से। और इतना ही नहीं पापा, मुझे पूरे देश से लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों की एड मिलेगी और फिर मैं उस सारे पैसे लेकर मैं आपके पास आऊंगा और कहूंगा, याद है पापा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 4980 का इन्वेस्टमेंट करोगे तो बदले में करोड़ों कमाओगे, करोड़ों। ये लीजिए आपके करोड़ों। जेठिया गिला, टप्पू को बैट दिला। बापूजी, अरे मैं करोड़ों की लालच में टप्पू को बैट दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो अरे टप्पू बड़ा होकर देश का नाम रोशन कर सके इसलिए बैट दिलाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है बापूजी, रात को दुकान से आते वक्त मैं लेके आऊंगा। पापा सीजन बैट ना? हाँ हाँ बेटा, 4980 वाला। थैंक यू पापा, थैंक यू, लव यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। टप्पू डा, टप्पू डा, टप्पू डा, टप्पू डा, टप्पू डा, टप्पू डा, टप्पू डा। आई भी बाहर गई है, बाबा भी आए नहीं, मुझे खेलने जाना है। बाबा आप कब आओगे? आ गए, आ गए बाबा, आ गए। शाबाश। हाँ बोल काय, कुठे गेली सोनू? बाबा अरे थैंक यू बेटा। बाबा ये पापड़ की थैली निमेश अंकल के घर पे देनी है। दे दूंगा, ये देख मस्त पैकी हापुस आम आणले। उस सूरज भाई के मैं डिलीवरी करने गया था ना, तो रास्ते में हापुस आम दिखे, खुशबू दिल में बस गई सोनू, और 3 दर्जन लेके आया। वेरी गुड बाबा। बाबा मैं खेलने जा रही हूँ, बाय। ए, खेलने मतलब तो पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई बाबा वेकेशन है ना। लेकिन वेकेशन के बाद स्कूल शुरू होगी ना बेटा, मैंने तेरे नए स्टैंडर्ड्स की बुक्स लाकर रखी है, इसलिए आज से नहीं बल्कि अभी से पढ़ना शुरू करो। लेकिन बाबा। नो बाबा माय बेबी, ओनली पढ़ाई। बाबा लेकिन टप्पू सेना नीचे मेरा वेट कर रही है। सोनू नो टप्पू सेना, नो खेलना एंड नो कॉम्प्रोमाइज विद पढ़ाई, ओके? मैं 1 घंटे में पापड़ की डिलीवरी करके आता हूँ, उसके बाद जाके खेलना, ठीक है? ओके। शाबाश। लेकिन बाबा अगर मैं नीचे नहीं गई तो टप्पू सेना ऊपर आ जाएगी खेलने, और मेरा भी मन होगा ना खेलने जाने का। तो आप एक काम करो, मैं घर पे आराम से पढ़ाई करती हूँ, अब बाहर से ताला मार के जाओ।
शाबाश सोनू, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुझसे ऐसे ही पढ़ाई के प्रति मेहनत और लगन की उम्मीद है। तुझे पढ़ाई करके डिग्रियां पानी है, ये टप्पू की तरह आम की गुठलियां नहीं पानी। बाबा टप्पू की वकालत मत करना, मैं ताला मार के जा रहा हूँ, तू पढ़ाई करना। हाँ ओके, हाँ मैं आता हूँ एक घंटे में। हाँ बाय बाय, चलो फुटबॉल खेलते हैं, पर पहले सोनू को तो आने दे। हाँ यार अब तक सोनू नहीं आई है। हाँ तो चलो उसे बुलाते हैं। हाँ चलो चलो चलो, सोनू, ओए सोनू, सोनू, ओए सोनू, सोनू, हाय, गुड मॉर्निंग वीरंगल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वीरंगल, सोनू अभी तक खेलने नहीं आई। नहीं वो आएगी भी नहीं। हाँ क्यों, उसकी तबीयत खराब है? शुभ बोल रहे गोले, उसकी तबीयत मस्त है फिर भी वो खेलने क्यों नहीं आई? बस हाँ बोले ना बेटे अंकल, क्यों नहीं आएगी? वो अभी पढ़ाई कर रही है। क्या वैकेशन में पढ़ाई? मस्त जोक मारा बेटे अंकल। ये छोटे सोड़ी, मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रही है। वैकेशन में भी स्कूल के एडवांस पढ़ाई की जा सकती है, वो वही कर रही है, समझे? तुम्हें खेलना है तो खेलो, सोनू नहीं आने वाली। हाँ मुझे तो लगता है सोनू को खेलना होगा, पर भीड़े अंकल ने जबरदस्ती उसे पढ़ने बिठा दिया होगा। क्या बोला, क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने सब सुना टप्पू, ज्यादा ओवरस्मार्ट मत बनो, अपने काम से काम रखो। पर हाँ वो खेलने नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, समझे? ओ अग्निदेव, अरे वैसे ही मौसम इतना गर्म है, ऊपर से आप अपने मुंह से इतनी आग क्यों उगल रहे हो? जरा शांतता ठेवा, काय झाले? मी सांगते पापा, देखो ना हमारा वेकेशन चल रहा है और भीड़े अंकल ने सोनू को खेलने देने के बजाय उसे पढ़ने बिठा दिया है। तो क्या भीड़े, ये तो बहुत गलत है भाई। नहीं माना तू शिक्षक है, तुझे पढ़ाई से बहुत प्यार है, लेकिन अपने इस पढ़ाई के प्यार की बरसात को जबरदस्ती तू सोनू पे बरसाए वो अच्छी बात नहीं है भाई। क्या बोल रहे हो जेठालाल, समझ में नहीं आया ना? बहुत गहरी बात है, कोई बात नहीं मैं तुझे समझ में आया ऐसी सीधी साधी भाषा में समझाता हूँ। देख क्या है, पूरा साल पढ़ाई कर करके बच्चे बेचारे थक जाते हैं, तो उनके मगज को फ्रेश तरोताजा रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के गहन विचार करके ये वेकेशन का आविष्कार किया। तो वेकेशन में खेलना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। सोनू के इस अधिकार को तुम नहीं छीन सकते भिड़े। टप्पू के पापा और भिड़े भाई आमने सामने नक्की तड़का झरेंगे। जाती हूँ। वाह अंकल, व्हाट अ स्पीच, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या बोला? गोली बोला, क्या बोला है आपने? वाह। अरे क्या क्या बोला, क्या बोला? बकवास बोला है, बकवास। बकवास? भिड़े अंकल, आप मेरे पापा से रिस्पेक्ट से बात कीजिए। टप्पू बेटा, तू कहाँ से आ गई? सीढ़ियों से आई। एक मिनट जरा। टप्पू बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते बेटा। टप्पू के पापा जाने दीजिए ना। क्या जाने दो? मुझे नहीं पता क्या है, पर जो भी है आप जाने दीजिए। जाने दीजिए नहीं, आने दीजिए। भिड़े को बोल आने दीजिए, सोनू को खेलने के लिए आने दीजिए। वेकेशन में बिचारी को पढ़ाई करने बिठा दिया, इसको पता नहीं है? अरे भाई बच्चे का पूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। ओ मिस्टर विकास लाल गड़ा, मेरी बेटी के विकास की चिंता तुम मत करो, मेरी बेटी का भविष्य पढ़ लिख कर उज्ज्वल होने ही वाला है, तुम अपने बेटे के विकास पर ध्यान दो। क्या है, अच्छा विकास तभी होता है जब अच्छे संस्कार मिलते। एक मिनट भाई, तो क्या कहना क्या चाहता है, मेरे टप्पू में अच्छा संस्कार नहीं है? हाँ नहीं नहीं, अच्छे संस्कार है ना, अभी देखा ना मुझसे कैसे बात की। ए, मेरे पापा से रिस्पेक्ट से बात करो। हाँ तो गलत क्या कहा? नहीं नहीं, गलत क्या कहा मेरे टप्पू ने? नहीं बिल्कुल सही कहा, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है। बराबर है, वही बात करने का तरीका आप चुक गए थे, तो मेरे बेटा टप्पू ने आपको याद दिलाया कि मेरे पापा से आप जरा रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैंने क्या गलत तरीके से बात की जेठालाल? अरे मैंने इतनी अच्छी वेकेशन की बात की जो बच्चों को भी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने ताली बजाई, और वही बात यह भाई साहब को बकवास लगी। मान लो जेठालाल कल तुम एक पिक्चर देखने गए जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी, और वही पिक्चर आज भी देखने गया तो मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे वो बहुत बकवास लगी, और बकवास लगी तो लगी। बोलो
बच्ची को पढ़ने बिठा के खुद पिक्चर देखने जा रहे हैं, बोलो कौन सी पिक्चर बेटा अंकल? एक रुपए कौन सी पिक्चर अंकल? मैं कोई पिक्चर देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। भीड़ भाई आप पापड़ देने जा रहे हैं ना? हाँ तो जल्दी जाइए वरना ऐसी धूप में कच्चे पापड़ सेके हुए पापड़ हो जाएंगे और पार्टी तक पहुँचते पहुँचते पापड़ का भुक्का भुक्का हो जाएगा, फिर पार्टी वो पापड़ खरीदेगी नहीं। काय संगत है ये? रुका रुका भागता किधर है? टप्पू के पापा भीड़े भाई को जाने दीजिए, आप यूं ही रुकिए। क्यों? अरे क्या है कि आप और भीड़े भाई खाली बर्तन जैसे हैं, जब भी मिलते हैं टकराते हैं और खन 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 ऐसी आवाज आती है। अब आवाज आती है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक बर्तन में घोबा पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम ना। क्या बोल रही है तू? सॉरी भीड़ भाई गए, अब आप जाइए। पापा पापा याद है ना? क्या? दुकान से आते मेरा सीजन बैट लेते आना। हाँ हाँ भाई हाँ याद है, चल दे। कहाँ? अरे भाई दुकान जा रहा हूँ, चल मतलब जय जिनेंद्र। सॉरी जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा अब सब लोग बेटा आराम से खेलो। हाँ, हाँ मम्मी। फ्रेंड्स भीड़ अंकल चले गए, चलो अब सोनू को बुलाते हैं। हाँ, चल, हाँ, चल, 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 चल। सोनू। अरे टप्पू दरवाजे पे तो ताला है। दरवाजे पे ताला है मतलब सोनू घर पे नहीं है। तो फिर भीड़े अंकल ने ऐसा क्यों कहा कि सोनू पढ़ाई कर रही है? लगता है सोनू किधर बाहर पढ़ाई कर रही होगी। हाँ चलो फ्रेंड्स। टप्पू टप्पू ओए सोनू की आवाज कैसे आ रही है? गोगी मैं अंदर से बात कर रही हूँ। सोनू तुझे भीड़े अंकल ने घर के अंदर कैद कर दिया। नहीं नहीं सोनू तू जल्दी बालकनी में आ, हम सब लोग कंपाउंड में आते हैं ठीक है? सोनू ये क्या यार, भीड़े अंकल ने तुझे घर में लॉक कर दिया। ये सीन देख के तो मुझे 20 साल पुरानी फिल्मों की याद आ रही है। हाँ ये तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि पापा ने अपनी बेटी को घर में बंद करके रख दिया। चलो फ्रेंड्स रीटा दीदी को बोलते हैं। चलो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, रीटा दीदी को बुलाने की कुछ जरूरत नहीं है। वो क्या है ना मुझे 1 घंटा पढ़ाई करनी थी और मेरा तुम लोग के साथ खेलने का मन ना हो इसलिए मैंने ही पापा को कहा था कि बाहर से ताला लगा दे। ठीक है सोनू तू वेकेशन में पढ़, हम लोग की तो स्कूल शुरू होगी तभी पढ़ेंगे। तू पढ़ाई कर हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और सोनू हम लोग खेल रहे हैं हमें भी डिस्टर्ब मत करना। चलो फ्रेंड्स अभी हम भी खेलते हैं। सोनू के बालकनी से उसके घर जाते। वो टप्पू गुड आइडिया, मजा आएगा। अरे पर टप्पू अगर भीड़े अंकल आ गए तो? पर हम सोनू के साथ घर पे खेलने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो उसकी हेल्प करने जा रहे हैं। तू रुक हम लोग आते हैं। अच्छा
अरे टप्पू सेना क्या कर रहे हो? शफीक भाई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अरे गिरी जाओगे, नीचे आ जाओ। शफीक भाई टप्पू सेना और सीढ़ी दोनों स्ट्रॉन्ग है, डोंट वरी। तुम लोग भी ना। बाय 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 बाय। फ्रेंड्स तुम लोग अंदर चलो, मैं आता हूँ। ओके ओके, और आराम से आना। हाँ मित्रों, सीढ़ी का निर्माण दुनिया में नीचे से ऊपर जाने के लिए या फिर ऊपर से नीचे जाने के लिए हुआ था, लेकिन सीढ़ी का निर्माण झगड़े के लिए तो नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में जेठालाल और भिड़ो के बीच में ये सीढ़ी झगड़े का सबब बनने वाली है। देखिए ना, सुबह इन दोनों के बीच में जो झगड़े का अलार्म बजा उसे तो दया भाभी ने ऑफ कर दिया, लेकिन अब क्या होगा जब भिड़े अपने घर में टप्पू सेना को देखेंगे। भाई टप्पू सेना की बैंड तो बजेगी, लेकिन साथ में झगड़े का बिगुल होगा जेठालाल और भिड़े के बीच में। आप बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि इन दोनों के बीच में झगड़ा यानी आपके घरों में हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे सोनू तू डर मत, अरे सोनू तू डर मत, ये कॉकरोच को अभी कुचल देती। नहीं गोली नहीं, तू कॉकरोच को नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि हिंसा पाप है, अहिंसा में हमारा जीवन होना चाहिए और कभी भी कोई अबोल जीव को मारना नहीं चाहिए। सॉरी टप्पू, जल्दी निकल। हाँ हाँ सोनू तू डर मत, मैं अभी और कॉकरोच को किचन की बारी से बाहर फेंक देता हूँ। रुक जल्दी। चल सोनू और नीचे उतर जा। अब कॉकरोच आउट ऑफ फॉर्म हो गया। सोनू मैंने कॉकरोच को बाहर फेंक दिया है, अब तू शांति से पढ़। थैंक यू सो मच टप्पू। ओहो हो फ्रेंड्स देखो, टप्पू सेना की मेंबर हमें थैंक यू कह रही है। सॉरी। ओहो अब तो सॉरी भी कह रही है। सोनू टप्पू सेना में नो थैंक यू नो सॉरी। राइट, चल हम लोग चलते हैं, तू शांति से पढ़। अरे एक मिनट टप्पू, सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, थक गया हूँ, पानी तो पीने दे, मैं किचन में जाकर पानी पी लेता हूँ। ये अंदर से देखना, पक्का कुछ ना कुछ खा के आएगा। वैसे सोनू तू पढ़ाई करके वापस नीचे खेलने आ जाना, पूरे साल की पढ़ाई एक दिन मत कर लेना। हाँ हाँ ऑब्वियसली। ओहो फ्रेंड्स देखो तो गोली बर्फ ऐसे मजे लेके खा रहा है जैसे बर्फ ही खा रहा हो। आम सुनो, मैं एक आम खाऊं, पिज़्ज़ा खा रहा हूं। रुक। गोली आम रख दे, पॉकेट में नहीं पेटी में रख। सॉरी रुक। अरे क्यों, सोनू कहाँ गई? तेरी धुलाई करने के लिए बेलन लेने गई होगी। ये ले गोली, आम धो के खा। थैंक यू सोनू। देखो तो फ्रेंड्स, टप्पू सेना का मेंबर मुझे थैंक यू बोल रहा है। अरे बागा बॉय। जी नटू काका। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी? ये 2020 मैच में रोज रोज स्टेडियम इतने सारे लोगों से खींचो खींच भरा हुआ कैसे रहता है? ये क्रिकेट मैच की इतनी महंगी टिकट खरीदने के पैसे रोज रोज लोगों के पास आते कहाँ से है? नट्टू काका, रोज रोज अलग अलग मैच अलग अलग शहर में अलग अलग स्टेडियम में होता है, एक ही शहर में एक ही स्टेडियम में नहीं होता। अच्छा, लेकिन बागा रोज रोज इतने सारे लोग स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाएंगे तो हमारे टीवी का सेल तो एकदम ठप हो जाएगा। भगवान करे हमारे सेठ जी का बिजनेस भी 2020 मैच की तरह धमाकेदार चले। हाँ भगवान करे दुकान खोलते ही रोज बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर मिल जाए। नट्टू काका, अरे वाह,
क्या बात कही आपने, सुबह सुबह बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर, वाह सेठ जी सुनेंगे तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। अरे पागल हो जाएंगे क्या, पागल हो गया सुबह सुबह 500 टीवी का ऑर्डर। अरे आज तक एक साथ में इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं मिला। अरे खुशियां मनाओ, नाचो कूदो, पार्टी मनाओ। वो क्या बोलते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। सुबह सुबह 500 टीवी का ऑर्डर, वैसे नटू काका कौन है ये दिलर पार्टी जिसने सुबह सुबह बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर दिया है। अरे लेकिन सेठ जी किसने बोला ऑर्डर मिला है, है? तो मैं आया तभी तुम चाचा भतीजा खुश होके क्या बात कर रहे थे, सुबह सुबह बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर, वो सब क्या था? वो सेठ जी नट्टू काका ऐसे ही कह रहे थे कि भगवान करे अगर हमें सुबह सुबह 500 टीवी का ऑर्डर मिल जाए तो। हाँ तो की बात चल रही थी। सेठ जी क्या हुआ, व्हाई आर यू हर्टिंग अस? हेलो हेलो पापा, टप्पू यार। हाँ बोल क्या है? ओ पापा मेरा बैट है ना। अरे भाई अभी तो मैं दुकान पहुंचा हूँ। ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए फोन किया। मुझे याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, अभी फोन रख और दोबारा फोन मत करना। ओके। किसी लेनदार का फोन था, सॉरी। बागा एक्सीजन बैठ ले क्या? सेठ जी नटू काका ने सॉरी तो बोला, सीजन बैट क्यों चाहिए? क्रिकेट खेलने के लिए। दुकान में नट्टू काका। नट्टू काका ये दुकान सेठ जी की है, इसमें वो टीवी बेचे या क्रिकेट खेले उनकी मर्जी, हम उन्हें पूछने वाले कौन होते हैं? राइट। ओ चाचा भतीजा दिमाग का भजिया मत करो, बैट टप्पू के लिए चाहिए, अभी उसी का फोन था। अच्छा अच्छा बागा, जा भावेश भाई की दुकान से बैट लेके आ। कौन भावेश भाई? अरे वो विनय भाई की दुकान के बाजू में जिनकी दुकान है ना, वो भावेश भाई। कौन विनय भाई? अरे वो विनय भाई उपाध्याय, सिद्धि विनायक कवर वाले। ओ अच्छा अच्छा, जो टीवी रेफ्रिजरेटर और प्रिंटर के कवर बनाते हैं वो। हाँ उनकी दुकान के बाजू में जो स्पोर्ट्स की दुकान है ना, वो भावेश भाई की है। ओ अच्छा, उनका नाम भावेश भाई है। हाँ भावेश भाई उनकी दुकान में जाकर सेठ जी का नाम लेगा ना तो 20-30% डिस्काउंट में बैठ दे देंगे। नहीं नटू काका, मैं भावेश भाई की दुकान में नहीं जाऊंगा। क्यों? सेठ जी अगर मैं नाथू की दुकान से बैठ लूंगा तो वो मुझे फ्री में देगा। कौन नाथू? नाथू नरबेराम, किसी जमाने में मेरे हाथ के नीचे काम किया करता था। तेरे हाथ के नीचे काम करता था? हाँ सेठ जी, हमारे उंढाई गांव में मैं गन्ने के रस की लारी लगाता था और ये नाथू मेरे पास नौकरी करता था। एक बार क्या हुआ सेठ जी, भूरा सेठ की पत्नी के हीरो का हार मेरे गन्ने की लारी के पास गिर गया, तो मैंने नाथू से कहा जा नाथू ये हार भूरा सेठ के घर पे जाकर दे आ। तब से नाथू भूरा सेठ की नजरों में हीरो बन गया। भूरा सेठ ने हीरो का हार अपने पास रख लिया और साथ में नाथू को भी अपने पास काम पे रख लिया। कुछ साल बाद भूरा सेठ ने अपनी बेटी की शादी नाथू से करवा दी और नाथू को दुकान भी संभालने दे दी। आज नाथू लाखों का बिजनेस करता है लेकिन फिर भी मुझे सेठ की नजर से ही देखता है, तो वो थोड़ी ना मुझसे बैठ के पैसे लेगा। देख भाई वो जो भी है, मुझे बैठ फ्री में नहीं चाहिए, तुझे नाथू की दुकान से लाना है नाथू की दुकान से ला, लेकिन पैसे दे के ला। लेकिन सेठ जी वो मुझसे पैसे नहीं लेगा। तो जबरदस्ती देना और उसको बोलना कि जब मेरी शादी होगी मेरा बेटा होगा तब मुझे फ्री में बैठ देना, समझा? लेकिन सेठ जी आपकी तो शादी हो गई है, बेटा भी हो गया है और उसी बेटे के लिए तो आप बागा को बैठ लेने भेज रहे हैं।
नट्टू काका आज सुबह क्या पीकर आए हैं? चाय। तो फिर मेरा खून क्यों पी रहे हो? अरे मेरी शादी मतलब मैं भागा की शादी की बात कर रहा था। ओह आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई कंडोलेंस, क्षमा चाहता हूँ। इस उम्र में किससे चाहते हो? माफी चाहता हूँ। अभी तू क्या खड़ा है भाई, तू क्या चाहता है? पैसे है? पैसे बैट के लिए कि फ्री में लेके आऊं? नहीं भाई नहीं। नटो काका समझ गया सेठ जी, बागा कम फॉलो मी, आई विल शो यू द मनी। बोलिए बोल कना। वाह सुनो वाह, क्या मीठे आम है, मजा आ गया। हाँ आज तो हम भी गोली बन गए। थैंक यू रोनू। बेटी में तो और आम निकालना। सोसाइटी में इतनी शांति, टप्पू सेना कहाँ है? कहीं गई होगी खेलने। मेरी सुनो तो पढ़ाई कर रही है, बेटी किसकी है? अरे ये सीढ़ी यहां पे किसने रखी? अरे बेशिस्त है बेशिस्त। सब क्या है? लोग सारे आम खा गए। तुम लोग घर में कैसे आए? वीरा अंकल भले आम का जवाब दे या फिर घर में कैसे है उसका जवाब दे। छोटे सोड़ी गप्पा बस। टप्पू मैंने घर पे ताला मारा था, तुम लोग घर में आए कैसे? भीड़ अंकल अपने कंपाउंड में सीढ़ी देखी। तुम बात मत बताओ टप्पू, मुझे सीढ़ी की कहानी नहीं सुननी। तुम लोग घर में आए कैसे वो बताओ। भीड़ अंकल टप्पू वही बता रहा है, अपने सीढ़ी देखी। हाँ तो टप्पू सीढ़ी देखी बता। हम लोग वही सीढ़ी आपके बालकनी में लगाकर आपके घर आ गए। काय निर्लज्जा तुम्ही, तुम लोग सीढ़ी चढ़कर बालकनी से मेरे घर में आम खाने आए? नहीं बाबा ये लोग आम खाने नहीं आए हैं। तो बस तुम्हें तो पढ़ाई करनी थी ना, तू इनको मना नहीं कर सकती थी घर में आने से? भीड़ अंकल तू कब बस। अरे टप्पू तू कब सुधरेगा भाई? नहीं नहीं सुधरेगा नहीं, तू और कितना बिगड़ेगा। अरे भीड़ अंकल हम लोग सोनू की मदद करने आए थे। आम खाने में? नहीं। तो क्या पढ़ाई में मदद करने आए थे? नहीं नहीं। अरे टप्पू कभी तो अपनी गलती मानदा सीख। अरे गोड़िया तुम भी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए? हाँ भीड़ अंकल मेरी तो हालत ही खराब हो गई, बालकनी में से ऐसे पैर ही नहीं जा रहे। अरे गोली, अरे ओए गोली संभल के। गोली उठ उठ, तंगड़ो ओवर करून बोलते। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। अरे किसने कहा था सीढ़ी चढ़ने के लिए, गिर जाता चोट लग जाती तो? नहीं भीड़ अंकल हम लोग एकदम केयरफुली सीढ़ी चढ़े थे। ये केयरफुली फूल, कुछ अकल है तुम लोगों में? कुछ अकल है? अच्छा आए तो आए, फिर तीन दर्जन हापुस आम खा गए तुम लोग? अच्छा वो भी, अरे देवा ये कौन सा पेपर खराब कर दिया तुमने? अरे इंपॉर्टेंट पेपर था मेरा। एक सत्यानाश। बाबा टप्पू सेना को मैंने ही बुलाया था। तू गब्बस, खबरदार जो टप्पू की तरफदारी की तो बराबर है, तू तो करेगी ना, टप्पू सेना की मेंबर जो ठहरी तुम। पर बाबा चुप, आज तो हद हो गई है हद, मैं आज माफ नहीं करूंगा जेठालाल। भिड़े अंकल टप्पू, ये गोड़िया माना भाई के तो टप्पू है थे, मैं जेठालाल को बुलाने की बात कर रहा हूँ। भिड़े अंकल अब हमेशा मेरे पापा को क्यों बुलाते हो? क्योंकि तुम इन सब के लीडर हो इसलिए।
सॉरी भिड़े अंकल। अरे तू कितनी बार सॉरी बोलेगा भाई, कितना स्टॉक है इसके पास सॉरी का? पहली बार तो सॉरी का। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा गलती करते हो और फिर सॉरी बोलते हो और फिर नहीं गलती करते हो। खुद तो है ही शरारती, दूसरों को भी शरारत सिखाता रहता है। आज तो जेठा को फोन करके ही रवाना मैं। समझत ने मुझे कहा हगाओ पड़े हैं। आयुष्यत का शिस्तमाचा प्रकार चुरल जला नहीं है। लोगों घर में बालकनी से प्रवेश करते हैं। अच्छा सेठ जी, 5,000 रुपए का बैट नाथू ने सिर्फ 3,500 रुपए में दिया। हाँ बोल भिड़े। जेठालाल तुम त्वरित तत्काल ताबड़तोप गोकुलधाम में आ जाओ। अरे भाई तू क्या मुझे अपना विद्यार्थी समझता है कि ऑर्डर छोड़ रहा है, फौरन गोकुलधाम में आ जाओ। पहले बता तो सही बात क्या है, वो सुनने के बाद मैं निर्णय लूंगा कि अभी के अभी गोकुलधाम आने जैसा है कि नहीं। आपके सुपुत्र ने जो कांड किया ना जेठालाल, वो फोन पे बताने जैसा नहीं है। इसने फौरन गोकुलधाम में आ जाओ, कर लो। हेलो क्या किया? हेलो हेलो अरे जे उड़ गए सगले खाली। आज मैं टप्पू को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे बालकनी से दूसरे के घर में आता है। पर सुनो तो सही बाबा। टप्पू गोगी गोली पिंकू, टप्पू गोगी पिंकू गोली, जहाँ कभी हो बाहर आ जाओ। टप्पू गोगी पिंकू गोली। हेलो। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा, आप एक मिनट के बाद फोन करेंगे? ये भीड़ भाई पता नहीं जोर जोर से टप्पू सेना को बुला रहे हैं। अरे हाँ वो भीड़ का ही मुझे अभी फोन आया था, फौरन गोकुलधाम आने को कह रहा था मुझे। जरा पता तो लगा टप्पू ने क्या करस्तानी की है। ठीक है आप फोन चालू रखना, मैं बालकनी में फोन लेकर जाती हूँ। क्या हुआ भिड़े मास्टर? क्या बताओ हाथी भाई आप? क्या हुआ भाई भिड़े, सोसाइटी क्यों हिला रहा? अरे भाई क्या बताओ पोपटलाल। अरे भिड़े भाई क्या हो गया? बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ। अरे ये भिड़े भाई क्या हुआ, क्या किया टप्पू सेना ने? दे भाई बताता हूँ। पहले टप्पू सेना को मेरे सामने आने दो। टप्पू गोली गोगी पिंको, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे सामने आ जाओ। टप्पू आ जा बेटा। या असे समोर या। टप्पू सेना भी आ गई, बात क्या है? बताता हूँ हाथी भाई, अभी सबको बताता हूँ, सुनिए। टप्पू के पापा भिड़े भाई बात की शुरुआत करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सुनिए सुनिए, आप सभी जानते हैं कि बच्चों का वेकेशन शुरू हो गया है और मेरी सोनू वेकेशन में भी पढ़ाई करना चाहती है। वो शांति से पढ़ाई कर सके और टप्पू सेना के साथ कोई शरारत ना करे, इसके लिए मैं उसे घर में ताला मारकर पापड़ की डिलीवरी करने गया था। सुनाई दे रहा है ना कि भीड़ भाई को कहूँ कि जोर से बोले। अरे तू चुप रह, सुनना था मुझे। छोटी हम घर को ताला मारकर क्यों गए? सोनू थी ना घर में। भीड़े भाई ये गलत बात है, बेटी को घर में कैद करके आप बाहर गए थे। अंजलि भाभी मैंने सोनू को कैद नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे खुद कहा था कि आप बाहर से ताला मार के जाओ ताकि मेरा मन नीचे जाके खेलने का ना हो और मैं शांति से पढ़ाई कर सकूं। भिड़े मास्टर सोनू तो अभी बच्ची है, छोटी है, पर तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाथी भाई टप्पू सेना उसको डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने ताला मारा था। टप्पू के पापा आपने सुना, आज सब बच्चे सोनू को पढ़ाई में परेशान ना करे इसलिए भिड़े भाई ने सोनू को घर में रखा और बाहर से ताला मार के पापड़ देने के लिए चले गए। दे भाभी फोन पे जेठालाल है। अरे उसे कहो कि फोन पे कॉमेडी ना सुने, फौरन गोकुलधाम आ जाए। अब हम टप्पू के पापा। हाँ हाँ सुना मैंने, बापूजी कहाँ है? बापूजी तो यंग वाइल्ड ग्रुप के साथ है। ये ऐसे नहीं आएगा, मुझे ही फोन करना पड़ेगा। एक मिनट चल रख। हेलो जेठालाल तुम मेरी बात को कभी गंभीरता से लोगे ही नहीं ना। मैंने तुम्हें बोला था कि फौरन गोकुलधाम आ जाओ, तुम अभी तक दुकान में ही हो। अरे भाई मैं दुकान से निकल गया हूँ। जेठालाल शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें दुकान में फोन लगाया है।
अरे भाई तू बराबर ध्यान से सुन, मैंने कहा मैं दुकान से निकल ही रहा हूँ, अभी चालू दुकान से निकलने में 5-10 मिनट तो लगेगी ना। मैं कोई फायर ब्रिगेड का बम्बा थोड़ी हूँ जो फोन आता है टन 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 करके निकल पड़ूं। ठीक है लेकिन तुम फौरन गोकुलधाम आ जाओ, आज मुझे फैसला करना ही है। जिंदगी में भलाई का परिणाम सदैव भलाई हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ये तो टप्पू की स्थिति देख के आपको पता चल ही गया होगा। टप्पू बेचारा करने गया था भला लेकिन गलत फहमी का शिकार हो गया, भिड़े ने हंगामा खड़ा कर दिया। निश्चित तौर पे भिड़े ने भी बिना बात को समझे बतंगड़ बना दिया। जिंदगी में आप भी कई बार ऐसा करते होंगे, इसलिए आपको एक छोटी सी सलाह है, बिना बात को समझे बतंगड़ मत बनाइए और किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले 100 बार सोचिए। लेकिन अभी गोकुलधाम में हमें यह सोचना है कि क्या करेगा भिड़े, आखिर भिड़े क्या फैसला करने वाला है। जब जेठालाल को यहां आके सारी स्थिति का पता चलेगा तब क्या होगा भाई, बहुत हंगामा होने वाला है। 2020 के सेमीफाइनल से ज्यादा रोमांचक होगा यहां जो कुछ भी होने वाला है। अब टप्पू की इस कारस्थानी का असर क्या होता है, क्या सबको पता चलेगा कि असल में कॉकरोच मारने के लिए गया था या भिड़े अब क्या करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, टेंशन भी बहुत सारा है, लेकिन आप चिंता क्यों करते हैं, आपके लिए तो हंसी हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ ठीक है अभी निकल ही रहा हूं, अभी दोबारा फोन मत करना ठीक है। हेलो दया, हाँ फोन रख मैं आ रहा हूं। भाई भिड़े, सोनू घर में पढ़ाई कर सके इसलिए तूने उसे बंद किया बराबर, हाँ बाहर से ताला तूने मारा बराबर, हाँ और सोसाइटी में हंगामा भी तू ही कर रहा है, हाँ अरे भाई ये मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, ये टप्पू ने मेरे जीवन में हंगामा खड़ा कर दिया है। भिड़े भाई सॉरी। अरे दया भाभी आप डायरेक्ट सॉरी मत बोलिए, पहले जान तो लीजिए टप्पू ने किया क्या है। हम सॉरी मतलब वो पहला सॉरी था ना उसके लिए सॉरी। आहो साउदिया ना। अरे काय साउदिया, सगळ्यांना कहू दे काय झाले ते। सबसे पहले तो ये गोगी गोली और पिंकू अपने इस टप्पू की लीडरशिप में सोसाइटी की सीढ़ी लेके आए, फिर वो सीढ़ी मेरे बालकनी से लगाई और बालकनी से चढ़ के मेरे घर में गए। ओ माय गॉड टप्पू, ये तो बहुत रिस्की है। वेरी बैड बच्चों, ऐसे स्टंट नहीं करने चाहिए। टप्पू तुम लोगों ने ऐसी शरारत की बेटा, कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी? हाँ तुम लोग को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं, नहीं, नहीं हुआ। अभी नहीं लगा लेकिन गिर जाते और लग जाता तो बड़ा। हाँ राइट, टप्पू सेना माधवी आंटी एकदम बराबर बोल रही हैं। अगर कुछ हो जाता तो? कोमल आंटी एक्चुअली बात यह है कि हम लोग ना सीढ़ी लेके इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि अभी इन लोग का एक नया बहाना सुनो। बोलो बोलो क्या बहाना है बेटा, क्यों चढ़कर गए थे सीढ़ी से? बाबा टप्पू बहाने नहीं बना रहा है, वो मैंने घर में कॉकरोच देख लिया था और मैं डर गई, इसलिए टप्पू सेना सीढ़ी चढ़ के घर पे आई थी मेरी मदद करने। सोनू तुम भी टप्पू सेना के साथ रह के झूठ बोलने लगी, खबरदार जो टप्पू की तरफदारी की तो। आई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, टप्पू की कोई गलती नहीं है। भले ही तू झूठ नहीं बोल रही है सोनू, लेकिन ऐसे सीढ़ी लगा के बालकनी से घर में आना गलत बात है, हो कि नहीं? हो भिड़े भाई सॉरी मत बोलना दया भाभी प्लीज। दया भाभी मैं जाते वक्त टप्पू सेना को बोल कर गया था कि सोनू पढ़ाई करिए उसको डिस्टर्ब मत करना, बोला था कि नहीं मैंने? भिड़े मास्टर बच्चों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, और बच्चों किसी के घर जाने का ये तरीका थोड़े ही है। या बेबी आती भाई इनकी ये गलती तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने उससे भी बड़ी गलती की है। ओके भाई और एक। अरे क्या हुआ? मैं बताता हूँ चाचा जी, भिड़े ने सोनू को घर में बंद करके बाहर से ताला मार दिया। भिंडी मास्टर तेरे में कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं, अपनी बेटी को कोई घर में ऐसे बंद करते? तो ये अर्धवर्ड ये क्या आधी ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा है तू, पूरी बात बता। सॉरी सॉरी बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ चाचा जी, सोनू घर में पढ़ाई कर सके और टप्पू सेना उसे डिस्टर्ब ना करे इसलिए भिड़े ने बाहर से ताला मार दिया। हालांकि सोनू नहीं बोला था बाहर से ताला मारने के लिए, और सोनू पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान घर के अंदर एक कॉकरोच आ गया और सोनू एकदम घबरा गई, तो उसने टप्पू सेना से मदद मांगी। अब घर के बाहर तो ताला था, टप्पू सेना करती क्या, तो टप्पू सेना ने ये जो ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी दिख रही है आप, ये सीढ़ी जो है वो भिड़े की बालकनी के पास ऐसे लगाई और टप 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 सीढ़ी से चढ़कर बालकनी में गए और भिड़े के घर में घुस गए, तो पूरी बात ये हुई। क्या टप्पू? चाचा जी ये तो सिर्फ एक ही गलती है, अभी दूसरी गलती के बारे में भिड़े में बता ही रहा था कि आप आ गए। बताओ भाई बताओ भिड़े बता। हाँ बोल भिड़े बोल। चाचा जी पहली गलती तो ये कि ये सीढ़ी से चढ़कर बालकनी से मेरे घर में गए, और दूसरी गलती मैं
तीन दर्जन हापुस आम लेके आया था वो सब ये खा गए। तीन दर्जन वो भी हापुस आम? भाई भिड़े, हमारी सोसाइटी के मासूम बच्चों ने तीन दर्जन आम क्या खा लिया, तुम्हारे लिए अफसोस की बात है? ए भाई, मुझे ये लोग आम खा गए उसका अफसोस नहीं है, अरे तीन दर्जन क्या दस दर्जन खाए। लेकिन खाने के बाद जिस पेपर पे इन्होंने गुठली और छिलके फेंके थे ना, वो पेपर मेरे काम का था, बड़ा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ऐसा क्या था उस पेपर में भिड़े मास्टर? हाँ? अरे हाथी भाई, उस पेपर में हमारे जमाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी आयुर्वेदिक ज्ञान था जो मुझे चाहिए था, लेकिन उन्होंने पेपर खराब कर दिया। टप्पू बेटा, ये तुम लोगों ने क्या किया? मम्मी, हम लोग को लगा कि वो रद्दी पेपर होगा। मेरे लिए तो हर पेपर रद्दी है ना, लेकिन आज तुम चारों ने हद कर दी है। सबसे पहले सीढ़ी लेकर बालकनी से मेरे घर में गए, उसके बाद आम, काम, मेरे काम का पेपर बिगाड़ दिया। अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया। सॉरी भिड़े भाई। भिड़े मास्टर, मैं तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान दूंगा, मतलब उसकी किताबें दूंगा। आती भाई, मुझे किताब नहीं, शांति चाहिए, शांति जो टप्पू सेना मुझे कभी देगी नहीं। टप्पू सेना, भिड़े अंकल को शांति दो। मेरा मतलब है, सॉरी बोलो उनको, बोलो सॉरी। चलो बच्चा, चलो कम, चलो। सॉरी भिड़े अंकल। मुझे नहीं सुना तुम्हारा सॉरी बोरी। अभी वो सॉरी कह रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना प्लीज। आदि प्लीज। दादाजी, सच में सोनू कॉकरोच से डर गई थी, इसलिए हम सब उसकी मदद करने गए थे। और फिर मैंने आम देखे तो मुझे आम खाने का मन हो गया। सही बात है, कैसे कंट्रोल करेगा बच्चा, इसमें टप्पू की कोई गलती नहीं है। नहीं है, ये सब इन लोग की मिली भगत है, झूठ बोल रहे तुम लोग। टप्पू, मेरी कसम खा करके बात क्या है? दादाजी, आपकी कसम, मैं सच कह रहा हूँ, सोनू कॉकरोच से डर गई थी, इसलिए हम सीढ़ी से उसके घर उसकी मदद करने गए थे। भिड़े, टप्पू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, और उसने भी मेरी कसम खा के तो बिल्कुल नहीं। ठीक है चाचा जी, माना के कॉकरोच था, लेकिन कॉकरोच ही था ना, कोई सांप नहीं था ना जिसे पकड़ने के लिए तुम लोग बालकनी से ऊपर चढ़ गए। अरे कॉकरोच था तो सोनू दूसरे रूम में चली जाती। देख भिड़े, तेरी बात सही है, तेरी जगह कोई और होता तो वो भी गुस्सा करता। मैं मानता हूँ कि टप्पू सेना ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन वो बच्चे हैं, मदद करने की उत्साह में समझदारी की मर्यादा भूल गए। फिर भी तुझे जो अशांति हुई है, तेरा जो दिल दुखा है, उसके लिए टप्पू सेना की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, बस। अरे चाचा जी, दादाजी, चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे माफी मत मांगिए प्लीज। देखिए, आप उससे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे लेकिन टप्पू सेना ने तेरा दिल दुखाया है। नहीं नहीं, अभी नहीं दुख रहा है चाचा जी, बिल्कुल नहीं दुख रहा है, और मैंने टप्पू सेना को माफ कर दिया। थैंक यू भिड़े। चलो भाई बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, भिड़े अंकल अब नाराज नहीं है, सब अपने अपने घर जाओ है। अरे भिड़े मास्टर, इस बार आम मेरे लिए भी लेके आना। हाँ बाबा, लेके आऊंगा, लेके आऊंगा। कितना हुआ भाई? टप्पू के पापा, रिक्शा मत छोड़िए। क्यों? अरे यहाँ अब सब ठीक हो गया है, बापूजी ने भिड़े भाई को समझा दिया है, तो भिड़े भाई का गुस्सा अब शांत हो गया है, और भिड़े भाई ने टप्पू सेना को माफ भी कर दिया है। अरे वाह भाई साहब, जाना नहीं है, दो मिनट उधर ही जाना है वापस। हाँ क्या भिड़े, इतनी बार फोन किया, एक और फोन कर देता कि भाई इधर मामला सब ठीक हो गया है, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पता है कितना काम खोटी करके दुकान से आया हूँ मैं यहाँ। कमाल है जेठालाल, तुमने तो मना किया था, बोला था ना कि जब तक मैं कंपाउंड में नहीं हूँ तब तक एक भी फोन मत करना। अरे भाई, वो तो फरियाद का फोन करने के लिए मना किया था, खुशखबरी का फोन तो कर ही सकता था ना। शिक्षक हूँ, थोड़ा सामान्य ज्ञान नहीं तुम चकड़े।
अरे भाई शांति रखना, यहाँ सब मामला शांत हो गया है, तुझे क्या वो सब फिर से शुरू करना है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बापू जी। तो फिर जा दुकान जा वापस। जी जी बापू जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चल दया। कहाँ? मैं दुकान जा रहा हूँ। कहाँ क्या? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सॉरी दादाजी, सॉरी मम्मी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना टप्पू, हमें या दूसरों को तकलीफ हो ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। टप्पू बापूजी की बात बराबर याद रखना हो बेटा। बापूजी अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए और सारा मामला शांत कर दिया और भीड़ भाई की नाराजगी भी दूर कर दी, वरना आपसे पहले टप्पू के पापा आ जाते ना तो नक्की भीड़े भाई और टप्पू के पापा का झगड़ा हो ही जाता। वो तो है, अच्छा हुआ जेठिया बाद में आया। अच्छा बहू एक काम कर, जेठिया को फोन करके बोल दे कि दुकान से आते वक्त 4 डजन अच्छे हापुस आम भीड़े को देता है। जी बापू जी। बागा आवाज आ रही है? नहीं नटू काका। अभी नहीं, अभी नहीं आ रहा है। अरे मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया है। नटू काका आपने प्लग अंदर डाला ही नहीं। आई फॉरगॉटन। अरे अरे बंद करो, बंद करो, क्या हो रहा है? बंद करो, अरे बंद करो, क्या कर रहे हैं आप दोनों? सॉरी सॉरी सेठ जी, हम लोग जरा स्पीकर चेक कर रहे थे। क्या हुआ सेठ जी? किसका क्या हुआ? गोकुल धाम में भीड़े भाई के साथ झगड़ा नहीं हुआ? क्या मतलब, क्या मतलब है तेरा? तू कहना क्या चाहता है? मैं झगड़ा लूं? सबके साथ हमेशा झगड़ा करता रहता हूँ? नहीं, आप हर बार जाते हो तो वापस आने में बहुत टाइम लगता है, पर इस बार आप जल्दी वापस आ गए। अरे मैं वहाँ पहुँचा उसके पहले बापूजी ने मामला और भीड़े दोनों को शांत कर दिया था। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सेठ जी कि हर घर में, सोसाइटी में और जीवन में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे जीवन में आप हो। ऑलवेज। हेलो क्या हुआ? किसका क्या हुआ? फिर से कोई टेंशन है? मुझे पता था आपको इसी बात का टेंशन होगा, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि अब आप कोई टेंशन मत लेना, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। अच्छा सुनिए ना, बापूजी ने कहा है कि बच्चों ने भीड़े भाई के 3 डजन आम खा लिए है ना, तो आप उनके लिए 4 डजन हापुस आम लेकर आना और उनके घर दे के आना। हाँ ये अच्छा आइडिया दिया बापूजी ने। बुजुर्ग बुजुर्ग। दया 4 क्या, मैं 5 डजन आम ले आऊंगा, ठीक है? और कुछ? हाँ हाँ खुश। अरे खुश नहीं और कुछ? ओ मम्मी नहीं नहीं और कुछ नहीं, बस आप याद से आम लेकर आना। बाय। भागा फटाफट बाजार जा और बढ़िया से 5 डजन हापुस लेके आ, रात को घर जाते वक्त मुझे घर ले जाना है। और बैट, बैट नहीं ले जाना है? अरे नहीं भाई ले जाना है, रात को घर जाऊं तभी याद दिलाना, वरना बैट के लिए गोकुल धाम से वापस दुकान आना पड़ेगा। ओ खिलखिलाट, बाजार जा सड़सड़ाट। जी जल्दी जल्दी। जी सेठ जी। बस बस बस, थैंक यू भाई। ओहो कितना हो गया भाई? 20 पैसा। हेलो ये पेटी को उठा के पहले माले पहुंचाना, मतलब कमर की तो वाट लग जाएगी, क्या करो?
कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। रिक्शा। हाँ साहब। एक मिनट। क्या हुआ साहब? अरे भाई सॉरी, थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। ये आम की पेटी उठा के जरा पहले माले तक पहुँचानी है, थोड़ी मदद करोगे? फ्री में नहीं है, पैसा दूंगा। अरे साहब इसके क्या पैसे लेने, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। अरे थैंक यू भाई। आजा इधर। चलो दोनों जन खाना तैयार है। माधवी भाभी मेरी भी थाली परोसना। अरे जेठा भाई आइए ना, आइए। कैसे हो बेटा? अरे कहाँ गया भाई? अरे आजा आजा भाई, अंदर आजा, आजा आजा, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ये लो भाई। अरे नहीं साहब। अरे अरे नहीं नहीं साहब। अरे रखो भाई रखो, थैंक यू भाई, इतना मदद किया है, थैंक यू भाई। ये क्या है जेठालाल? हाँ ऐसे देख के मालूम नहीं पड़ता है ना, कोई बात नहीं, मैं तुमको एक छोटी सी हिट देता हूँ। ये वो चीज है, एक फल आता है जिसको हिंदी में आम बोलते हैं, अंग्रेजी में हापुस बोलते हैं और गुजराती में आंबा बोलते हैं। बताओ तो ये क्या है? जेठालाल ये आम की पिटी यहाँ क्यों लाए हो? ले तुमको तो मालूम पड़ गया। हाँ तुमने तीन तीन हिट जो दी थी लेकिन ये पेटी यहाँ क्यों लाए हो? भाई बताता हूँ, सबसे पहले सॉरी, ओ टप्पू ने शरारत की उसके लिए, और तुम्हारा वो जो पेपर बिगड़ा उसके लिए भी सॉरी। ओहो ऐसा है जेठालाल, तो फिर एडवांस में 10-12 सॉरी बोल दो, क्योंकि भविष्य में टप्पू शरारत तो करने ही वाला है ना। क्या भी टप्पू क्या, सभी बच्चे मस्ती करते हैं। ना ना माधवी भाभी अन्ना एडवांस बदल सॉरी आई का चाहे तो वांदा नहीं, मैं देते, मचा कड़े फुल स्टॉक का है। ये अभी का मई महीना है ना, दिवाली तक का तो चलेगा, मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ना, हाँ ओके, हाँ तो सॉरी 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 सॉरी, दिवाली तक का हिसाब क्लियर, उसके बाद का फिर आगे देखेंगे। हाँ तुम बाप बेटे कभी नहीं सुधरोगे। अरे भाई हम सुधर गए तो तुम जो पहले से सुधरे हुए हो उसकी कीमत कौन करेगा, है ना माधवी बाबे? हो ना हो। जेठालाल तुमने ये नहीं बताया कि आम की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? अरे भाई टप्पू से ना तुम्हारे घर के आम खा गए ना, इसलिए। खाते? अरे वो, मेरी तरफ से छोटे से गिफ्ट। गिफ्ट? जेठालाल तुम्हें ऐसा लगता है कि टप्पू सेना ने आम खाए इसलिए मैं गुस्सा हुआ था? नहीं जेठालाल, ऐसा सोच के तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, ये आम की बेटी वापस लेके जाओ। अरे माधवी भाभी इनको समझाइए, कोई प्यार से गिफ्ट लेके आता है तो उसका मना नहीं करते। सॉरी जेठा भाई, आप हमारे लिए नॉर्मली प्यार से गिफ्ट लेकर आते तो हम लोग ले लेते, पर टप्पू सेना ने हमारे घर के आम खाए इसलिए आप आम लेकर आए, ये जरा गलत बात है। अहो बच्चे एक दूसरे के यहाँ खाए तो हिसाब थोड़ी होता है उसमें। हाँ अंकल, इस हिसाब से तो मैंने आपके घर कल कुछ खाया तो बाबा को भी हिसाब बराबर करने आना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचते। नहीं ना जेठालाल, तो फिर आम की बेटी वापस लेके जाओ। हाँ हाँ जीठा भाई, लेकिन उससे पहले खाना खा कर जाइए। अरे नहीं नहीं माधवी बाबू, मैं तो मजाक कर रहा था, दया और बापू जी राय देख रहे हैं खाना खाने के लिए। भीड़े ये आम रख लिए होते तो अच्छा होता भाई। ना ही। चलो ठीक है चलता हूँ। अरे जेठा ये पेटी तो यही रहेगी, इसे लेके जाओ। वो मैं बाद में लेके जाता हूँ ना, चलो ओके। जेठालाल सॉरी सॉरी, ये क्या है? ओ टप्पू के लिए गिफ्ट, क्रिकेट बैट। हाँ परत कास टूटना रे, मनु नंतर एडवांस मत एवढे सॉरी दिले।
हाँ तुम्ही सॉरी दिले आम्ही ते घेतले पण ही आमची पेटी आमची नाही तुमची हा तो ये आम की पेटी यहां से लेके जाओ अरे 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 चल ओके बेटा बाय अंकल ओके ये बेटा ओके ये सावकाश बाय अंकल बाय बाय बेटा क्षमा वीरस्य भूषणम जीवन में क्षमा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है वह व्यक्ति जो गलती करने पर क्षमा मांग ले उससे छोटा नहीं हो जाता और वह व्यक्ति जो क्षमा कर दे वो तो निश्चित तौर पर बड़ा होता है इसलिए अगर आप लोग भी जीवन में कोई गलती कर दें तो माफी मांग लें किसी पर गुस्सा करें कोई और गलती हो जाए तो माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे माफी मांगने से मन का बोझ हल्का हो जाएगा और ठीक वैसा ही हुआ गोकुलधाम में देखिए ना चंपक चाचा टप्पू जेठालाल सभी ने माफी मांगी माफी मांगने से मन का बोझ हल्का हो गया और हम लोग इसीलिए तो हैं कि आपके जीवन का गमों का और तनावों का बोझ हल्का कर दें आम की पेटी जेठालाल वापस ले गए लेकिन आप आमों की चिंता मत कीजिए आप तो ये चिंता कीजिए कि कल कितना हंसेंगे जब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.